अगर आप इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि आपके ईयर्स ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं और आपका एज डिफरेंस हो जाएगा अपने बैचमेट से तो ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है इन फैक्ट मैं पर्सनली ऐसे एस्पिरंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो दो तीन चार ड्रॉप्स लेके आए हुए होते हैं आफ्टरऑल उनका डिटर्मिनेशन देखो कितना स्ट्रॉन्ग है हमारे कॉलेज में कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप्स लिए हैं एंड ऐसे कोई भी जज नहीं करता वहाँ पे इवन सब रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ यार इसने बहुत मेहनत करी है एंड कभी हार नहीं मानी तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ यार ये कईयों को लगता है कि मतलब अगर जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा अगर हमारा दो साल का ड्रॉप है तीन साल का ड्रॉप है तो हमारे साथ कुछ भेदभाव होगा या डिस्क्रिमिनेशन होगा कॉलेज में जाके मेरा सिलेक्शन हो चुका है मैं भी तीन साल ड्रॉपर हूँ लेकिन मेरे को बिल्कुल मतलब कुछ मेरे को क्या सब लोग एक ही जैसे हैं भाई कॉलेज के अंदर बहुत मज़ा आता है बिल्कुल बहुत अच्छी लाइफ है बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं इस तरफ कोई देखता भी नहीं है बल्कि लोग अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पर पढ़े लिखे लोग आते हैं हमारे लाइक रिश्तेदारों जैसे नहीं आते या पड़ोसियों जैसे नहीं आते जो तुम लोगों को कहेंगे कि घर पर बैठे थे या ये कर रहे थे वो कर रहे थे वो अप्रीशिएट करते हैं कि यार हाँ तूने देख कितनी मेहनत करी निशान के दू अभी भी ऐसे मतलब आ गया है मेरे दोस्त हैं मेरे को बहुत करते है खुश रहता हूँ बहुत ज्यादा तो तुम लोग भी तैयारी करो और आएगा यार मज़ा बहुत आएगा कॉलेज में आके मेडिकल कॉलेज में आके अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो आई वुड रिकमेंड कि आपको अपने पुराने नोट्स को जरूर रिवाइज करना चाहिए अगर आपको वहां से सब कुछ समझ में आता था बट मैं कहूँगी फिर से आपको ड्रॉप ईयर में मेरे हिसाब से एक कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए नॉट बिकॉज कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि आ, या फिर आपको सब कुछ फिर से पढ़ने की ज़रूरत है टीचर्स से बट बिकॉज ऑफ अ रेगुलरिटी क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर कोचिंग को फॉलो करते हैं तो उनका एक सेट सेट पैटर्न होता है कि आ, हाँ इस टाइम तक वो इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे इस टाइम तक वो कोर्स कंप्लीट करेंगे इस टाइम पे वो टेस्ट लेंगे तो जो नॉर्मली स्टूडेंट होता है वो अपने आप इस सब को मैनेज नहीं कर पाता कि वो मतलब रेगुलरिटी के साथ पढ़े भी टाइम टू टाइम टेस्ट दे तो आई थिंक उसके लिए स्टूडेंट को एक कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए भले ही आप पढ़ें अपने पुराने वाले नोट से ही पर कम से कम कोचिंग जब चल रही होगी तो आपको पता होगा कि हाँ इस टाइम पे मेरी कोचिंग में ये चल रहा है तो मेरे को ये वाला टॉपिक कवर करके रखना है और इस दिन मेरा टेस्ट है तो तब तक मुझे ये सब खत्म करके रखना है सो टू मेंटेन अ रेगुलरिटी एंड सिंक्रनाइजेशन बिटवीन योर टेस्ट एंड योर यू नो डेली स्कड्यूल यू नीड टू जॉइन अ कोचिंग अकॉर्डिंग टू मी तो ड्रॉप का डिसाइड कर लेने के बाद नेक्स्ट चीज़ माइंड में यही आती है कि कोचिंग लें या ना लें तो मैं तो वो ड्रॉपर हूँ जिसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे आफ्टर ट्वेल्थ एंड व्हेन ऑल योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर ऑल यू हैव लेफ्ट टू डू इज सेल्फ़ स्टडी तो सेल्फ़ स्टडी के लिए हमें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है आराम से घर पर हो सकती है जो मैंने किया एंड जितना टाइम आप रूम में अकेले अपनी बुक्स के साथ होते हैं मेनली वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है फॉर योर सिलेक्शन एंड जो छोटे मोटे डाउट्स वगैरह आ जाते हैं वो फ्रेंड से डिस्कस करके या फिर इंटरनेट से क्लियर हो जाते हैं एंड अदर देन दैट मैंने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करी थी बिकॉज ऑफ़ कोर्स टेस्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए उसी से हमारी मेन प्रैक्टिस होती है एंड इफ़ यू रियली फील आई नीड टू जॉइन एन इंस्टीट्यूट देन आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं दे आर यू कैन गेट सम गाइडेंस ऑल्सो एंड इनफैक्ट आई एम वेरी प्राउड दैट मैंने मेनली सेल्फ स्टडी से ही अपना नीड क्लियर किया है विदाउट मच गाइडेंस हमारे जिनके भी मार्क्स यार मतलब आ रखे होते हैं ठीक ठाक से एवरेज एवरेज मार्क्स आ रखे होते हैं आवरे, अबव एवरेज लेकिन सिलेक्शन रुक गया कुछ मार्क्स से तो हम लोग सोचते हैं कि हमें कोचिंग की जरूरत नहीं है जैसे कि मैंने सेकंड ईयर ड्रॉप में सोचा था कि यार कोचिंग की जरूरत नहीं है सिर्फ सेल्फ स्टडी कर लेंगे आकाश के मॉड्यूल भी रखे हैं आकाश का मटेरियल भी रखा है नोट्स भी रखे हैं सब कुछ रिवाइज कर लेना है एक छोटी मोटी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है तो फिर बस हो गया यार कोचिंग का सिर्फ सिग्निफिकेंस ये नहीं होता कि हमारा कोर्स ख़त्म हो जाए फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायो का उसका मेन मोटिव जो मुझे समझ में आता है हम जैसे बच्चों के लिए जिनकी थोड़ी बात पहले से तैयारी हो रखी है वो ये है कि यार कॉन्टीन्यूटी भी मेंटेन करनी होती है एक स्पीड होती है जैसे कि कुछ टाइम तक तो तुम लोग मेंटेन कर लोगे शुरू शुरू में जोश में मैंने भी किया था कि एक दो महीना पढ़ लिया और फिर फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें डिप्रेशन आने लगता है टेंशन होने लगती है कि जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म नहीं हो रहा उस टाइम पर हमारे पास कोई होता नहीं है कि या तो दोस्त होते हैं ना टीचर होता है ना कोई गाइड होती है कि गाइडेंस भी नहीं होता तो हम लोग मतलब हट जाते हैं बिल्कुल अपने ट्रैक से कि गलती क्या की कि ना तो हमने कोचिंग ज्वाइन की ना हमने खुद से पढ़ाई कर पा रहे अब अगर हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली होती तो इस टाइम पे हमारी क्या स्टेज होती है कि हमारे टीचर अभी कोई चैप्टर करा रहे हैं तो हमें टेंशन तो हो रही होती कि नहीं हो रहा हमारा कोर्स आगे नहीं बढ़ रहा है लेकिन हम लोग कुछ भी करके टीचर के साथ भागने की कोशिश करते भागने की कोशिश करते और हमारा कोर्स आगे चलता रहता है ऐसा नहीं होता कि हम दस पंद्रह दिन बस बेड पे लेटे हुए हैं टेंशन में तो ये नहीं होता साथ ही साथ टेस्ट जो होते हैं लगातार होते रहते हैं कोचिंग के अंदर फिर हमारा मन भी करता रहता है कोचिंग के अंदर टेस्ट देने का थोड़ा प्रेशर बना रहता है पढ़ने का भी और टेस्ट देने का भी अगर हम खुद से मतलब करते हैं तो हम टेस्ट भी स्किप करते हैं ये सारी गलतियां मैंने की थी सेकंड ड्रॉप में तो इसीलिए तुमको बहुत अच्छे से बता पा रहा हूँ अगर आप में से कोई एफएमजी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो अन एकेडमिक का एफ एम बैच ज्वाइन कर सकते कि मैंने सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपको नीट पी जी की प्रिप्रेशन करनी है तो आप अनकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं उसमें आपको फ्री लाइव लेक्चर्स मिलेंगे उसके साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं सब्जेक्ट वाइज और इसके अलावा आपको सारे लेक्चर्स के नोट्स की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल होती है चाहे आपका सब्सक्रिप्शन ओवर हो गया उसके बाद भी Uh, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं इमेज बेस क्वेश्चन क्लिनिकल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन न्यू पैटर्न क्वेश्चन तो वो सभी आप वहाँ से सॉल्व करके अप, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपको नीट पी जी के प्रिपरेशन करने हैं, तो आप टारगेट नेक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है एम सी क्यू आई रिकमेंड कि आप किसी भी एक यू नो वेल नोन कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए दैट इज़ मोर देन इनफ पर मेरी मतलब सबसे ज़्यादा यू नो एडवाइजेबल थिंग ये है कि आप किसी भी मॉड्यूल या किसी भी क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले एक बार ये सोचें कि नीट तक आते आते मैं इस मॉड्यूल को कम से कम दो या तीन बार कर पाऊँगा या कर पाऊँगी अगर हाँ आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो ही उस मॉड्यूल या क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करिए अगर आपको लगता है नहीं मैं एक ही बार कर पाऊंगी आई विल नॉट गेट द टाइम टू रिवाइज इट तो प्लीज उसको बिल्कुल मत उठाइए नहीं तो रिवीजन के बिना कोई आउटकम तो निकलेगा नहीं प्लस आपने जो एक बार का टाइम लगाया है उसको सॉल्व करने का वो भी वेस्ट हो जाएगा तो प्लीज़ इस बात का जरूर ध्यान रखिए तो अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो बिलीव मी इट इज ईजी एंड आप भी कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले तो आपको एन अच्छे से करनी चाहिए एन के बैक क्वेश्चन एंड थ्योरी ऑल्सो एंड उसके अलावा जो आपको इंस्टीट्यूट अच्छा लगता है आपकी प्रेफरेंस का है आप उसका किसी भी एक का मटेरियल ले सकते हैं एंड उसको अच्छे से फॉलो कीजिए एंड यस जितना टाइम आप अपने कंसेप्ट क्लैरिटी पे लगा रहे हैं उतना आप रिवीजन पे भी लगाइए एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एंड टाइम में जाके रिवीजन नहीं हुआ होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो प्लीज़ 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 प्लीज रिविज़न पे ज़रूर फोकस कीजिएगा एंड अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए बेस्ट एंड यू नीड अ गुड यू वांट अ गुड रैंक तो उसके लिए आपको वो सब करना पड़ेगा जो मोस्टली लोग नहीं कर रहे हैं तो मैंने जो किया था मैं आपको वो बताता हूँ फिज़िक्स के लिए मैंने आकाश और एलन के पैकेज किए थे उसके अलावा डीसी पांडे बुक सॉल्व करी थी एंड एचसी वर्मा से काफ़ी अच्छी कंसेप्ट क्लैरिटी रहती है एंड थोड़ी बहुत डी मुखर्जी भी करी थी एंड केमिस्ट्री के लिए भी आकाश एल के पैकेज और इनऑर्गेनिक तो हो जाती है एनसीईआरटी से ही उसमें बहुत सारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनवस्थी एंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एम एस चौहान एंड बायो के लिए भी पैकेजेस एंड एन सी आर टी एंड बायो के लिए मैं कहूँगा कि आप एन सी आर टी ही अच्छे से कीजिए रेफरेंस मटेरियल को इतना फोकस ना करें बिकॉज़ उसमें बहुत एक्स्ट्रा होता है एंड जितना टाइम आप रेफरेंस मटेरियल अगर बायो का कर रहे हैं ना तो आप ज़्यादा टाइम अपना फिज़िक्स केमिस्ट्री को दे दीजिए फिजिक्स जो होती है वही रैंक डिसाइडिंग होती है तो मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिज़िक्स को दें एंड बायो के लिए एन सी आर टी विल बी मोर देन इनफ फॉर यू